यदि ये सब कैसे संभव हुआ कि जब दानदाताओं ने मदद की तब ये बच्चे ठीक हो पाए? अगर आप और लोगों का साथ नहीं मिलता तो काम नहीं हो पाता, ये बच्चे ठीक नहीं हो पाते। एक और बच्चा है जिसकी उम्र 17-18 साल की है, नाम है विवेक, लेकिन वो जब मेरे पास आया तो उसकी कष्ट को मैं देख नहीं पाया। उसका कष्ट ऐसा कष्ट था जो बहुत ही गंभीर था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसका पैर हाथी जैसा हो गया था, हाथी पांव। उसके एक बहुत बड़ी बीमारी थी, एलिफेंट लेग। वो बीमारी ऐसी होती है कि पैर के अंदर ऐसे कीटाणु होते हैं जो इस पैर को और बड़ा करते चले जाते हैं। कोई पैंट नहीं पहन सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं चल नहीं सकता। उसके बहुत मतलब चलने फिरने में उसको बहुत कष्ट होता है। ऐसा बच्चा जब आया तो उसकी जब मैंने पारिवारिक स्थिति देखी तो मुझे लगा कि इसके पास तो इतना पैसा नहीं कि दो समय की खाना भी अच्छे से खा सके, तो कैसे इलाज कराएगा। जब डॉक्टर के पास भेजा तो डॉक्टर ने कहा कि इसका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन 17-18 साल के लड़के का पैर काट दो कैसे चलेगा। तो मुंबई के कुछ डॉक्टरों से बात की तो एक डॉक्टर हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा नहीं, हम इसका ऑपरेशन करेंगे, पैर भी काटना नहीं पड़ेगा और ये बच्चा ठीक भी हो जाएगा, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। हमने दानदाताओं से प्रार्थना की, लोगों ने मदद की और वो बच्चा ठीक हो गया। हम चलते हैं उस विवेक की ओर। देखिए, मैंने आपको एक कहा ना, मैं शास्त्रों को, वेदों को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका निचोड़ क्या है। शास्त्र और वेद यही कहते हैं कि लोगों की मदद करो, परोपकार करना पुण्य है और किसी के दिल को दुखाना पाप है, किसी को कष्ट देना पाप है। हर धर्म हर मजहब यही सिखाते हैं। मत किसी को दर्द का सैलाब दो, मत किसी को छलावों का उपहार दो, देना ही चाहते हो तुम अगर दोस्त मेरे, तो आदमी को आदमी का प्यार दो, आदमी को आदमी का प्यार दो। ये एक छोटा सा हमारा अपना नवयुवक साथी 17-18 साल का विवेक कैसे अपने दुखों से पार पा चुका है, आप और हम सब उसको देखेंगे, विवेक को। विवेक परिहार छोटी सी उम्र में आनुवांशिक गुणों के कारण दोनों पैरों में हाथी पांव जैसी भयंकर बीमारी का शिकार हो गया, जो उसे दिन ब दिन मौत के करीब ले जा रही थी। 10 साल से मुझे ये बीमारी है पैरों में, जैसे कि हाथी पांव रहता है वैसे ही। जानलेवा दर्द, पैरों को काटने की चिकित्सक की नसीहत ने उसे और बीमार और हताश कर दिया। तो पैर लाल लाल हो जाता है, फिर काला हो जाता है और बस बस हो जाता है पैर में। बस लोग देख के हंसते और मुझे अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता। पैरों को समय पर नहीं काटा गया तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी, ये कहना था वरिष्ठ चिकित्सकों का। धीरे धीरे इसकी स्वेलिंग बढ़ती गई, हर एक डॉक्टर हर एक जगह हम लोगों ने चेकअप वगैरह करा दिया था। एक चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि पैर भी बच जाएंगे और बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन कुल 6 लाख रुपए लगेंगे। विवेक के परिवार की स्थिति दयनीय थी, पैर के कारण नौकरी कहीं भी नहीं मिलती। पीड़ित विवेक कहीं से सुनकर सेवा परमो धर्म के संस्थापक प्रशांत अग्रवाल से मिला और अपनी पीड़ा यूं बताई। प्रशांत अग्रवाल सर मिले, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला, ऐसा बताया मैंने अपना प्रॉब्लम। विवेक की पीड़ा सुनकर हृदय विचलित हो गया डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल का, तथा तुरंत ही मुंबई के कई चिकित्सकों को इस आशा में दिखाया गया कि पैर बच जाए और बीमारी भी खत्म हो जाए। सेवा परमो धर्म, टोटल खर्चा मेरा उठा रही है। प्रशांत अग्रवाल ने भामा शाहों से अपील की। दादा कान लखानी ने उस करुण पुकार को सुना और हो गया उसका निशुल्क ऑपरेशन। आज विवेक बहुत खुश है और आज मेरे पैर ठीक है। अभी भी ढेरों बच्चे हैं ऐसे।